पर है सैमसंग का रेवोल्यूशनरी फोन, रेवोल्यूशनरी कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले एंड डिजाइन। फोन का नाम है गैलेक्सी F54 5G। फटाफट से खोलते हैं, आई एम एक्साइटेड। ओ हो हो, कितनी बेताबी। यहाँ पे बड़ा सा कैमरा बना हुआ है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे तीन कैमरे। ओ क्या बात है। डियर मनोज सारू, नाम देख रहे हो, जलवा है हमारा। सैमसंग की तरफ से एक प्यारा सा मैसेज है, इसको ओपन करते हैं। ओ सो ये फोन है सैमसंग का। सो ये F सीरीज का न्यू स्मार्टफोन है, सैमसंग गैलेक्सी F54 5G। फोन के फीचर्स काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। इसमें 120 हर्ट्ज एमोलेड है, 108 मेगापिक्सल OIS कैमरा विद नाइटोग्राफी, और इस फोन के साथ सैमसंग 4 ईयर्स का एंड्रॉइड अपडेट और 5 ईयर्स का सिक्योरिटी अपडेट दे रहा है। और ये सारी चीजें ऑफर कर रहा है सैमसंग अंडर 30,000 रुपीज में। बात करते हैं आप, ऑन पेपर स्पेक्स तो तगड़े लग रहे हैं यार, बट आप तो मेरे नीचे जानते हैं, हम तो पहले भैया इस्तेमाल करते हैं, ही विश्वास करते हैं। खुल जाओ, खुल जाओ, खुल जाओ, खुल जाओ। तो सबसे पहले ऊपर की साइड में फोन है, क्या बात है, कलर देखो काफी प्यारा कलर है। बाकी ऊपर की साइड ये हमारा सिम इजेक्टर, जिसको हम ओह यंत्र भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, ये क्विक स्टार्ट गाइड। ओह ये टाइप सी केबल, दोनों साइड टाइप सी है। ये फोन आपको दो कलर में मिलेगा, ये वाला जो कलर है ये स्टारडस्ट कलर है, मुझे पर्सनली ये वाला कलर पसंद आया। दूसरा कलर है ये मिटियोर ब्लू। 8.4 mm इसकी थिकनेस है। फोन को स्लिम कह सकते हो, हाथ पे फोन को लेते हो स्लिम फील होता है, लाइट वेट भी है। और ये वेट मशीन पे रखते हैं, ओके 197 ग्राम। जो कॉर्नर है वो सॉफ्ट फ्राउंड कॉर्नर है। इसके अगर डिजाइन को आप देखते हो तो काफी हद तक ये सैमसंग के ए सीरीज, जो सैमसंग के एक प्रीमियम मिड रेंज फोन होते हैं, उनकी याद दिलाता है। इसका जो बैक है ये पॉलीकार्बोनेट है विद ग्लॉसी फिनिश, फिंगरप्रिंट रेजिस्टेंट तो नहीं है। भाई डिस्प्ले की बात करूं तो काफी बड़ा ये डिस्प्ले है, ये 6.7 इंच का FSD प्लस सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले है विद 120 हर्ट्ज। और अगर हम डिस्प्ले क्वालिटी को टेस्ट करते हैं तो यूट्यूब पे जाते हैं, ये देखो यूट्यूब पे भाई HDR का सपोर्ट है। यूट्यूब पे आप 2160p पे वीडियो देख सकते हो। बिग डिस्प्ले है, विविड है, पंची कलर डीप ब्लैक। आप सभी लोग जानते हैं सैमसंग के जो डिस्प्ले होते हैं वो A1 क्वालिटी के होते हैं, कुछ भी देखते हो भाई देखने में मजा आ जाता है। जो साइड बेजल से वो काफी मिनिमल है, नीचे चिन की साइड में एवरेज से थोड़ा कम बेजल है। ओवरऑल फोन का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मुझे बढ़िया लगा, ये अगर फ्रंट से देखते हो ऐसे दिखाई देता है। नीचे से भी जो व्यू है वो क्लियर है, ऊपर से भी भाई क्लियर है, ठीक है। और इस साइड से देखते हैं, इस साइड से भी एकदम क्लियर है। 800 nits की इसमें आपको पीक ब्राइटनेस दे रखी है, और मतलब इंडोर में तो भाई काफी ब्राइट है इसका डिस्प्ले। इवन इसके डिस्प्ले को मैं आउटडोर में भी टेस्ट करने गया और मुझे ब्राइट इनफ लगा। और इस सेटिंग में जाते हैं अगर हम, यहाँ पे ये यहाँ पे जाते हैं, ओके इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक स्टैंडर्ड है 60 hertz का और एक 120 hertz है। अगर हम कुछ भी स्क्रॉल करते हैं, ये देखो मक्खन है भाई, एक बार ड्रॉप टेस्ट करते हैं। ओ भाई कुछ नहीं हुआ, देखो क्लास 5 की प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन वर्क्स। ओके फिजिकल ओवरव्यू में नीचे माइक्रोफोन है, ये टाइप सी है, ये स्पीकर है, स्पीकर टेस्ट सिंगल स्पीकर है। चिकन कॉपीराइट मार देगा, सिंगल स्पीकर है, स्टीरियो देते तो भाई मजा आ जाता। साउंड है मुझे काफी लाउड लगा, क्लियर लगा। राइट हैंड साइड में ये पावर बटन और ये वॉल्यूम बटन है, और यही फिंगरप्रिंट स्कैनर है। ऊपर की साइड में नॉइस कैंसिलेशन, लेफ्ट हैंड साइड में सिम ट्रे है, ये आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है। एक और चीज आप जानकर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाओगे, ये जो सिम ट्रे है और ये जो साइड बटन है, इसे बनाने के लिए सैमसंग ने रिसाइकल मटेरियल यूज किया है। तो भाई इसके लिए सैमसंग का एक रोड सल्यूट तो बनता है। सर एक बार हैप्टिक फीडबैक चेक करते हैं, काफी सॉफ्ट वाइब्रेशन है। इसका जो हैप्टिक फीडबैक है एक प्रीमियम फ्लैगशिप फोन के जैसा है। अब आते हैं इसके सबसे इंटरेस्टिंग चीज पे, और वो है इसका कैमरा। एक बार इसका कैमरा देखो, लीनियर है। इसके जो डेको देख रहे हो कैमरे की साइड में, ये मेटल का है। ये जो मेन कैमरा देख रहे हो ये 108 मेगापिक्सल है विद OIS F1.8 अपर्चर के साथ। ऊपर वाला ये 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, और ये नीचे वाला 2 मेगापिक्सल मैक्रो। अगर आपको नहीं पता बता दूं, जो अपर्चर है वो जितना कम होगा कैमरे में जो लाइट है उतनी ज्यादा जाएगी, उतना बेटर लो लाइट में फोटोग्राफी होगी। और ये जो सेल्फी 32 मेगापिक्सल का है F2.2 अपर्चर के साथ। ऑफ कोर्स सैमसंग इसके कैमरे को काफी ज्यादा हाईलाइट कर रहा है, हर लाइटिंग कंडीशन में टेस्ट करते हैं। पहले हम इंडोर में टेस्ट करते हैं, ये फोटो तो अच्छी दिखाई दे रहा है, और एक 2x पर टेस्ट करते हैं, ये देखो। तो अगर हम जूम करते हैं डिटेल्स तो देखो भाई इनफ है, और कलर्स काफी नेचुरल लगता है। और ये देखो 2x में, इसमें भी काफी अच्छी डिटेल्स है। थोड़ा सा आउटडोर में कैमरा टेस्ट कर लेते हैं, गैलरी में आ गया हूं मैं। अगर थोड़ा सा मौसम देखोगे तो बादल छाए हुए हैं। एक बार शटर स्पीड चेक कर लेते हैं इसके, ये देखो ओके सेकंड्स ले लेता है। ये देखो क्लिक करके अगर मैं इमेज ओपन करता हूं, ये देखो यस प्रोसेसिंग फास्ट है। कलर्स देखो कितने नेचुरल है, मतलब जिस तरह से यहाँ पे आपको ये पौधे दिखाई दे रहे हैं सेम वैसे ही नेचुरल कलर है, ये देखो। एक बार HDR चेक करते हैं, ये देखो एक पर ये देखो भाई अभी थोड़े से बादल छाए हुए हैं, उसके हिसाब से अगर हम HDR देखें तो ये देखो स्काई एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। नीचे की साइड थोड़ा सा अंडर एक्सपोज है, बस शार्प डिटेल है। एक बार फोकस चेक कर लेते हैं, ये देखो ओहो क्या बात है, फोटो फोकस तो काफ़ी फास्ट लग रहा है, ये देखो एकदम से फोकस कर लेता जैसे आप लाते हो सब्जेक्ट को सामने। ये देख रहे हो इमेज की क्वालिटी क्या बात है भाई, भाई जिस तरह के कलर सैमसंग प्रोड्यूस करता है यार, भाई थम्स अप सैमसंग को। एक बार पोर्ट्रेट भी लेके देख लेते हैं,
बैकग्राउंड में ब्लर देखो भाई, बहुत ही खतरनाक ब्लर किया है ये देखो। एजेस काफी शार्प और एक्यूरेटली डिटेक्ट कर लेता है। और ये पोर्ट्रेट मोड है, अगर पोर्ट्रेट मोड में बैकग्राउंड में देखते हो डायनेमिक रेंज अच्छा मिल जाता है। और जो ये देखो मेरी शक्ल है इस पर काफी अच्छे से फोकस कर रखा है, ये देखो जूम करते हो भाई, ये देखो भाई मूछे दिखा दे रहा है। मैक्रो कैमरा मुझे डिसेंट लगा, एक बार 32 मेगापिक्सल सेल्फी ट्राई करते हैं। ओके सेल्फी तो बढ़िया, ये देखो पोर्ट्रेट मोड में एजेस डिटेक्ट कर लेता है, स्किन टोन भी प्यारा है, नेचुरल रखा है और डिटेल्स भी अच्छी मिल जाती है भाई। ये सही है, देखो देखो 4K 30 FPS पे सपोर्ट है और 1080p 60 FPS पे सपोर्ट है। ओके ये जो फिलहाल वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हो ये आप रियर कैमरे से देख रहे हो 4K 30 FPS पे, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह के वीडियोस को रिकॉर्ड करता है। अगर हम फ्रंट में देखते हैं तो फ्रंट में भाई साहब फ्रंट में आपको 4K 30 FPS पे मिल जाता है, क्या बात है। मतलब हाई व्लॉग वेलकम टू माय गाइस कर सकते हो भाई। और ये कुछ मैं आपको फोटोज दिखा देता हूँ इंडोर आउटडोर डे लाइट कंडीशन में, डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में, आपको एक बेटर आइडिया हो जाएगा ये किस तरह के फोटोज क्लिक करता है रियर और सेल्फी कैमरे से। तो अभी फिलहाल आ गया हम इसके लो लाइट कैमरे को टेस्ट करने के लिए। ओके तो एक यहाँ की फोटो लेते हैं। ओह भाई क्या ब्राइट फोटोज हैं, ये देखो डिटेल्स भी देखो यार, लो लाइट के सबसे काफी अच्छी है, लेस नॉइस है, लो लाइट फोटोज निकल के आते हैं, दे आर रियली 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 गुड। इसके कैमरे में एक ऐसा फीचर है जो आपको सैमसंग के फ्लैगशिप सीरीज में देखने को मिलता है। तो आपको कैमरे में जाना है, मोर में जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा हाइपर लैब, यहाँ देखो आपको एस्ट्रो लैब्स मिलेगा, यहाँ से आपको 300x कर देना है, उसके बाद स्टार्ट रेस मोड को ऑन कर देना है, उसके बाद कहीं स्टेबल वाली जगह पे आपको रख देना है और यहाँ से आपको इसे ऑन कर देना है। फर्स्ट इंप्रेशन मैंने फोन के कैमरे को जितना भी टेस्ट किया डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में, इतना मैं कहूंगा कि सैमसंग ने फोन के कैमरे में काफी अच्छा काम किया है। परफॉर्मेंस के लिए सैमसंग ने इसमें एक्सिनस का प्रोसेसर यूज किया है, जिनको नहीं पता बता दो सैमसंग के घर की खेती है ये, मतलब एक्सिनस के प्रोसेसर सैमसंग खुद बनाता है। इसमें सैमसंग ने एक्सिनस 1380 चिप यूज किया है, 5N वाला चिप है, प्रोसेसर देखा जाए काफी पावर एफिशिएंट है। इसमें मैंने एंड्रॉइड रन किया ये वर्जन 10 है और जो स्कोर है वो 611,000 प्लस आया है। सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट भी करके देखा और थ्रॉटलिंग टेस्ट में भी ये फोन पास हो गया, कोई रेड लाइन नहीं है। सीपीयू थ्रॉटल परसेंटेज 78% है, लेकिन परफॉर्मेंस तो भाई पीरो गेम प्ले खेल गया ही होता है। तो हम BGMI टेस्ट करते हैं इसमें। अगर हम ग्राफिक्स चेक करते हैं, ये देखो कंट्रोल्स ग्राफिक्स पे गए, स्मूथ ऑप्शन है, बैलेंस है, HD है, ओके HDR नहीं है, स्मूथ पे हाई का ऑप्शन है। ओए पीरो मनोज सारू का गेम प्ले देखो, ओए अरे देखो पीरो मनोज सारू, स्मूथ और हाई सेटिंग्स में जो गेम है वो अच्छा चल रहा है, बट लैग नहीं है देखो। ये देखो पीरो मनोज सारू दोनों को लपेट दिया, इसके लिए एक लाइक बनता है भाई। ग्राफिक्स अच्छे हैं, एकदम स्मूथ गेम प्ले तो नहीं है भाई, हल्के फुल्के फ्रेम ड्रॉप नोटिस होते हैं, बड़ा लैग नोटिस नहीं होता, आप अच्छे से गेम खेल सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। ओके गेम प्ले करने पे ऐसा कोई हीट भी फील नहीं हो रहा। आप इसमें डिसेंट गेमिंग कर सकते हो, स्मूथ और हाई सेटिंग्स पे गेम खेल सकते हो। मल्टी टच टेस्ट कर लेते हैं, तो भाई 10 मल्टी टचेस में देखो, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है, तो ये भी टेस्ट कर लेते हैं एक बार। रीड राइट स्पीड भी अच्छी है। देखो ये जो प्रोसेसर है जितना भी टेस्ट किया मुझे अच्छा लगा ये प्रोसेसर, डेली लाइफ यूज में आई डोंट थिंक आपको कोई कमी आएगी, मल्टीटास्किंग आराम से स्मूथली कर पाओगे। एक बार मैं सारे ऐप्स को क्लोज कर देता हूँ, ये देखो आप जितने भी जरूरी ऐप्स है, सबसे पहले जरूरी ऐप्स क्रोम, ओके भाई खुल जा, फास्ट ओपन होता है, मैसेज ओपन करते हैं, ठीक है कैमरा ओपन करते हैं, ये भी फास्ट ओपन हो रहा है, ब्राउजर ओपन करते हैं, ये भी प्ले स्टोर ओपन करते हैं, ये भी फोटोज ओपन करते हैं, ये भी फास्ट ओपन हो रहा है, मल्टीटास्किंग एकदम स्मूथ लगा, ऐसा कोई लैग या जिटर नहीं है भाई। बाकी ऑफ कोर्स ये फोन 5G है, 10 5G बैंड्स है, नॉक सिक्योरिटी का सपोर्ट है, सैमसंग पे है, NFC है, Wi-Fi 6 इसमें। ओके तो इसमें आपको एंड्रॉइड 13 मिलता है, लेटेस्ट है और UI वर्जन 5.1 है। बाकी अगर हम ऐप्स चेक करते हैं ब्लॉटवेयर, तो यस आपको थोड़े बहुत ब्लॉटवेयर मिल जाता है, जैसे स्नैपचैट है, बायजूस है, कैंडी क्रश है, इसलिए डिलीट हो जाते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। और फोन में आपको सैमसंग वॉलेट मिल जाता है, सैमसंग पे फीचर है और सिक्योर फोल्डर भी है। और सबसे बेस्ट चीज इस फोन में जो मुझे लगा वो है 4 ईयर्स का एंड्रॉइड अपडेट, 4 एंड्रॉइड अपडेट्स इस प्राइस पॉइंट पे नहीं मिलेगा। और इसके साथ आपको 5 ईयर्स का सिक्योरिटी अपडेट, सैमसंग के फोन में जितने भी टेस्ट किए हैं, जो भी वो प्रॉमिस करते हैं अपडेट को लेकर, डेफिनेटली वो प्रोवाइड करते हैं। मुझे जानना है आप लोगों का जो सैमसंग के साथ एक्सपीरियंस कैसा, अगर आप सैमसंग का फोन यूज करते हो कमेंट में बताना कि आपको टाइम टाइम पे अपडेट्स मिलते रहते हैं या फिर नहीं। इसमें 6000 mAh की बैटरी है, इसको सुनकर तो एक मूवी का डायलॉग याद आ गया, तो इसको घर क्यों बोलते हैं, इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते। सेम ऐसे ही भाई, इसमें 6000 mAh की बैटरी है, इसको बैटरी नहीं सैमसंग को इसको बैटरा बोलना चाहिए। बैटरी इसमें बहुत ही बढ़िया, सेगमेंट फर्स्ट 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसकी जो लॉन्च ऑफर प्राइस है वो 29999 है, बट इसके साथ आपको 2K का बैंक ऑफर मिल जाएगा, जिसके बाद आप इसे इजीली आप इसे 27999 में बाय कर सकते हो। फोन को मैंने जितना भी टेस्ट किया, मैं डेफिनेटली कहूंगा कि कुछ फीचर्स हैं इस फोन में जो इस प्राइस पॉइंट पे स्टैंड आउट करती है, जैसे कि भाई बिग बैटरी है 6000 mAh की और ये सेगमेंट फर्स्ट है, इस प्राइस पॉइंट पे आपको नहीं मिलेगा।
फ्रंट में आपको 4K 30 FPS रिकॉर्डिंग मिलता है, 8 मेगापिक्सल OIS कैमरा है और इसमें आपको फ्लैगशिप लेवल कैमरा फीचर्स मिलते हैं, 4 ईयर्स का एंड्रॉइड अपडेट और 5 ईयर्स का सिक्योरिटी अपडेट। ये सारी चीजें मुझे इस प्राइस में फोन में काफी बढ़िया लगी। अगर प्राइस को देखे और जैसे फीचर्स मिलते हैं, डेफिनेटली मैं कहूंगा दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सैमसंग फोन अंडर 30,000 रुपीज। वेट, वीडियो लाइक जरूर कर देना, कमेंट में बताना आपको ये फोन कैसा लगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।